भाजपा के दोनों उम्मीदवारों ने अपना शक्ति प्रदर्शन करते हुए निकाली रैली और कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल किया। चुनाव की तारीख नजदीक आने से रतलाम शहर और जिले में चुनाव की हलचल तेज हो गई। निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया भी शनिवार को प्रारंभ हो गई थी, जिसमें अभ्यर्थी को 30 तारीख तक अपने नामांकन दाखिल करने हैं। उसके बाद जांच प्रक्रिया होगी और फिर नामांकन सही पाए जाने पर चुनाव चिन्ह का आवंटन कर आगे की प्रक्रिया निर्वाचन आयोग संचालित करेगा। आज रतलाम शहर और रतलाम ग्रामीण के भाजपा प्रत्याशियों ने अपने समर्थकों के साथ रैली निकालते हुए अपना नामांकन दाखिल किया। शहर के भाजपा विधायक प्रत्याशी चेतन कश्यप ने अपने शहर कार्यालय विशाजी मेंशन स्टेशन रोड से चल समारोह निकाला, जिसमें बड़ी संख्या में भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता तथा कश्यप के समर्थक शामिल हुए। कश्यप खुली जीप में भाजपा के अन्य पदाधिकारियों के साथ चल रहे थे। कश्यप का शहरवासियों ने जगह जगह स्वागत किया। रैली के मार्ग में 10 से 15 जगह स्वागत मंच भी विभिन्न संगठनों ने बनाए थे। कई जगह आतिशबाजी और पुष्प वर्षा करके कश्यप का स्वागत और उनके जीतने की कामना की गई। इस बार शहर विधायक ने अपने समर्थकों के साथ 60,000 से अधिक मतों से अपने विजय का ऐलान किया है। सालाखेड़ी से रतलाम कलेक्ट्रेट कार्यालय तक 3 किलोमीटर में डामोर के स्वागत में विभिन्न संगठनों ने मंच बनाए थे और महू रोड के दुकानदारों, ढाबा मालिकों और व्यवसायियों ने तथा मंडी पर मंडी के व्यापारी हम्माल और तुलावटी संघ ने पुष्प वर्षा कर डामोर का स्वागत किया। रतलाम ग्रामीण से भाजपा के विधायक प्रत्याशी मथुरा लाल डामोर की बात हो रही है, जिन्होंने सालाखेड़ी से अपने समर्थकों के साथ रैली निकालते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचकर मतदान अधिकारी को अपना नामांकन पत्र प्रस्तुत किया। गृह मंत्री के समर्थन से डामोर की जीत ग्रामवासियों को तय दिख रही है और उन्होंने भरोसा जताया कि रतलाम ग्रामीण की विधानसभा की सीट भाजपा के पास ही रहेगी।
शहर, हर गांव, हर कस्बे की खबर पर नजर सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल पर। अगर आप हमारा चैनल यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको मिल सके लेटेस्ट अपडेट। और अगर आप हमारा चैनल फेसबुक पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स जरूर करें। और अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो जुड़े राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल से। राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।